फोर्थ स्लाइड है, आज हम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे। क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड की कंडीशन क्लोजर ऑप्शन देता है, लेकिन कंडीशन देता है कि जो इसका सरफेस है वो स्क्वायर बेस है, तो क्या होगा उससे लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएंगे। मान लो मैंने उसे एक्स मान लिया तो लेंथ और ब्रेथ बहुत हाई और हाइट एच रही। अगर थ्री डायमेंशन होते हैं क्यूबॉइड में, अगर दो डायमेंशन एक हैं और हाइट अलग है, तब दो क्यूबॉइड तो वन क्यूब क्यूब के ऑल साइड ऑल डायमेंशन इक्वल होती है, तो इसका सरफेस एरिया बोलेगा, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो कब सरफेस एरिया क्यूबॉइड का ये होगा प्लस ये क्लोज है तो ऊपर और नीचे का जो सरफेस एरिया होगा टू नीचे का एल इंटू बी। अब एल और बी क्या है मेरे पास, वो एक्स है, तो मैंने यहां भी एक्स पुट किया, यहां भी एक्स, टू एक्स हो गया, टू एक्स तो ये था, यहाँ एल इंटू एक्स डी एक्स, तो क्या आ गया मेरे पास, ये सरफेस एरिया मेरे पास आ गया फोर एच एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आता है, टीचर्स बोलते हैं सीधे ये पुट करो, भाई ये बताते हैं उनको नहीं है कैसे आया, इसलिए तो मैं बताया, ओपन होगा तो नीचे से जुम्मन होगा स्क्वायर बेस होगा, बस उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर जो था केवल एक बार एड होगा, क्योंकि कब सरफेस एरिया हुआ फोर वॉल्स का एरिया वो हमेशा फिक्स रहेगा, ऐसे रहेगा ठीक है। वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को भी इसी तरह से देख लेते हैं हम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ और ब्रेथ क्या है एच इनटू एच एक्स स्क्वायर एच। क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, क्वेश्चन ऐसा बोलता है गिवन होता है आपका सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, प्रूव करने के लिए बोलता है व्हेन वैल्यूम इज मैक्सिमम क्यूबॉइड का देन क्यूबॉइड इज क्यूब, तो क्या होना चाहिए हम क्या जब वैल्यू मैक्सिमाइज करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि हाइट जो है वो एक्स के इक्वल होगी, साइड के इक्वल होगी, यानी लेंथ और ब्रेथ पहले ही एक्स के इक्वल है और हाइट भी किसके इक्वल होगी एच के इक्वल होगी, तो इसका मतलब थ्री डायमेंशन जो थे क्यूबॉइड दो तीनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब वो क्यूब बन गया। अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा, वैल्यूम गिवन होगा व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम देन क्यूबॉइड इज क्यूब बोलेगा, इसमें भी यही करना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना, वैल्यू गिवन आप तो एच इंटू एच करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप क्वेश्चन देखेंगे दो तीन, और इसमें कॉस्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं जो आपके मिसलेनियस बुक में होंगे, प्रीवियस बोर्ड में आ चुके होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है, वो मैं स्लाइड में कंटिन्यूशन में बता। तो क्वेश्चन अब क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन ओपन बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन कार्डबोर्ड ऑफ रेडियस स्क्वायर यूनिट एरिया दिया है, सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू, एक तो ओपन बॉक्स याद रखेंगे, स्क्वायर बेस ए भी याद रखेंगे, और क्या दिया मैंने मुझे गिवन एरिया याद रखें, सो दैट द मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ बॉक्स कितना होगा बोला मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमाइज करना वैल्यू को और इतना हो, अब क्या करना है लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर बेस एज बाय द हाइट सी स्क्वायर बाय द गिवन एरिया ऑफ बॉक्स, अब यहाँ एस नहीं लिखेंगे एस की जो क्या लिखेंगे सी स्क्वायर जो उसने किया है, तो मैंने क्या बताया बिकॉफ सरफेस एरिया तो फोर बार का एरिया प्लस बेस जो है स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, अब ये ऊपर से तो ओपन है एक ही बार आ गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा जानते तुम कैसे करते हैं, बी वी द वैल्यूम ऑफ बॉक्स ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्योंकि बेस के लेंथ और ब्रेथ एक्स एक्स है, तो फ्रॉम फर्स्ट एक्स की वैल्यू पुट करूंगा एक्स से एक्स कट गया एक एक एक्स बचा अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, अब एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करूंगा क्योंकि एक्स और एक्स दो वेरिएबल थे उसमें से एक ही बचा है उसी के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव, एक्स का क्या होगा वन डी वाई डी एक्स क्या होता है डी बाई डी एक्स वन होता है पड़ा हुआ डेरिवेटिव, और डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन क्या होता है एन आ गया जाता है एन माइनस, तो यहाँ क्या है थ्री थ्री आगे आ जाएगा थ्री माइनस वन करोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इसके साथ क्या करोगे जीरो बुट करोगे फर्स्ट ऑर्डर जीरो बुट किया कि जीरो फोर सिक्स तक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जीरो का क्योंकि डिवाइड में अगली साइड को मल्टीप्लाई करते हैं ये बचा, अब यहाँ से एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर इस साइड जाएगा तो अंडर रूट बनेगा सी बाहर आ जाएगा रूट थ्री ये बचेगा एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके
अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा किसका करेंगे, इसका करेंगे सेकेंड ऑर्डर में, इसका सी के साथ तो सी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, ये जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू एक्स, लेकिन थ्री एक्स तो सिक्स एक्स हो जाएगा। अब हम फोर कट करो दो से या जाओ, अब एक्स की वैल्यू बुट करो, अगले एक्स की वैल्यू है इसे बुट करो ना किया या। अब ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया मतलब इसका मतलब अब आगे नहीं जा सकता, ये मैक्सिमम हो चुका है अपनी सैचुरेशन पॉइंट में हो चुका है। जब भी नेगेटिव आए समझो सैचुरेशन पॉइंट मैक्सिमम, उसके बाद कहीं नहीं बढ़ सकता। तो हैंस वैल्यू में मैक्सिमम 1x इक्वल सी बाय 100 रूट थ्री। तो एक तरीका, अब मुझे वैल्यू निकालना मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एक तरीका तो ये है कि एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पुट करो एक्स निकालो, और एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। और मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं ये कहता कि इतना मत करो, यहाँ आओ, ये है ना ये इसे उठाओ यहाँ से, यहाँ नहीं 1/4 ही लगे होगा अंदर, एक्स की जो वैल्यू पुट करो ये वाली, और एक्स की जो वैल्यू पुट करो यही वाली, ये क्यूब है इसी ने मल्टीप्लाई जाएगा क्यूब बन जाएगा, क्यूब बन गए। अब जो नीचे वाला सॉल्व करोगे ना ये क्यूब रूट का पावर थ्री ऐसे होगा, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा छोटी क्लास में रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री ये रूट। अब इसमें से कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन कॉमन, देखो ये वाला पोर्शन इसे बाहर निकालो, यहाँ क्या बचेगा वन, बीच में माइनस या वन बाई टू, एलसीएम लोगे थ्री माइनस बाय वन लिख देता हूँ थ्री माइनस। अब ये किया आपने टू बाय टू से कट गया सिक्स आ गया, इतना हो गया वैल्यू। हैंस व्हेन वैल्यू इज मैक्सिमम देन मैक्सिमम वैल्यू इज स्टार्ट सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ, क्या बोलता है क्वेश्चन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। सो दैट बोलता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब होता है टोटल सरफेस ऑफ अ क्लोज क्यूबॉइड, ये भी ध्यान देना, विद स्क्वायर बेस, बेस स्क्वायर गिवन क्या है, मैंने दूसरी बात होती गिवन क्या है इसमें हो वैल्यूम गिवन है, तो क्या बोलता है मिनिमम होगा, क्या चीज मिनिमम होगा, सरफेस एरिया मिनिमम होगा जब गिवन वैल्यू, व्हेन इट इज क्यूब, जब इट क्यूब बन जाए तो क्या करेंगे हम गेट करेंगे स्क्वायर बेस है ना, एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर बेस, एच बी द हाइट एंड एस बी नहीं वी बी गिवन सरफेस गिवन सॉरी गिवन वैल्यू सॉरी सॉरी वी गिवन वैल्यू ऑफ गिवन क्या था वैल्यू। अब देखो वैल्यू के लिए इसकी साइड एल लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर एक्स इनटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर इनटू एच हो जाए, यहाँ से एच की वैल्यू निकालूंगा मैं, एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हैं लेकिन जब यहाँ करोगे करोगे इसलिए एच की निकालूंगा, ध्यान रखना। लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो अब एक क्लोज है तो यहाँ का इस एरिया एक्स स्क्वायर, यहाँ का एरिया भी एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर वाल, और फोर वॉल्स का एरिया तो ये है कब सरफेस एरिया, तो फोर एच एक्स स्क्वायर मैं बता चुका हूँ कैसा है फ्रॉम फर्स्ट। अब क्या करो एच की जगह ये वैल्यू बुक कर दोगे, एक्स से एक्स कट जाएगा यहाँ पे एक एक्स हो जाएगा बटे मैंने। अब इसके लिए डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है ये वन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस एन एक्स की पावर एन प्लस वन, यहाँ एक्स की पावर कितनी वन कुछ नहीं होती तो वन मान के पावर टू, तो माइनस वन ऊपर वन में वन प्लस करेंगे टू हो जाएगा ये माइनस फोर हो गया, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा तो फोर है। अब इसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट क्या करेंगे हम जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट किया ये है मेरा यहाँ पुट किया हमने इस ये माइनस पे था इस साइड का प्लस हुआ फोर से फोर कटा इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब हो जाएगा और उधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पूरा हो गया। लेकिन मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से पता नहीं चल कि ये मैक्सिमा है मैक्सिमम है मिनिमम है, तो मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका करूँगा इसका करूँगा इसका, इससे फोकस करना है ना, ये सब सबसे आसान होता है मैक्सिमम मिनिमम, बच्चों को ये सबसे ज्यादा टफ होता है लेकिन आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। ये माइनस ऊपर जाएगा यहाँ माइनस फोर है तो माइनस एट होगी और प्लस एट हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा यही फॉर्मूला है, तो एक्स का क्या होता है मैम, अब मैंने क्या बोला एक्स की वैल्यू जो निकली है उसे पुट करेंगे एक्स की वैल्यू निकली है मेरे पास अंडर रूट क्यूब अंडर रूट ऑफ बी पुट करूंगा इस
3 से क्यूब रूट कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 8 प्लस 4 8 इक्वल टू 12 इज ग्रेटर देन 0 है। हेंस सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन x इक्वल अंडर रूट 3v और x क्यूब। अब ये क्यूब रूट को इस साइड ओवर तो x क्यूब बन जाएगा। वैल्यू कितना था मेरे पास किसका ऊपर का यहाँ से शुरू में लिखा है एक्स स्क्वायर एक्स, तो इस एक्स से एक एक्स कटा एक्स इक्वल एक्स बन गया। इसका मतलब क्या हो गया तीनों डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल हो गई, तो इसका मतलब इक्वल किसकी होती है क्यूब की। हेंस व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम देन क्यूबॉइड इज ऑफ क्यूब कट सर हो गया। सो दैट वैल्यू ऑफ क्लोज क्यूबॉइड विच स्क्वायर इज गिवन सरफेस एरिया, क्या गिवन है सरफेस एरिया, वैल्यू क्या होगा बोला मैक्सिमम व्हेन इट इज। तो मैंने क्या किया स्क्वायर बेस का लेट एस बी साइड ऑफ स्क्वायर बेस एस बी हाइट एंड एस बी द गिवन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है जो चीज गिवन है क्लोज है ना, तो क्लोज के लिए ही होता है फॉर्मूला बताया हमने पहले ये चीज है। इसमें क्या करेंगे ये देखो मुझे एक्स बी है दो वेरिएबल है एक्स और एच, किसी एक की वैल्यू निकालनी मुझे क्योंकि x की तो नहीं निकाल सकता क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ x स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए कैसे क्योंकि पावर अलग अलग थी x की वैल्यू कैसे निकाली 2x स्क्वायर को ले लिया माइनस इसके साथ बचा 4x मल्टीप्लाई वो डिवाइड। अब क्या वैल्यू को क्या करना है मुझे मैक्सिमाइज करना, लेट शो दैट वैल्यू बोल रहे हैं वैल्यू को मैक्सिमाइज लेट वी बी द वैल्यू ऑफ टू वर्ड टू वर्ड का वैल्यू क्या करना लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू लेंथ भी x है और ब्रेथ भी x क्यों क्योंकि स्क्वायर बेस है स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, ठीक है तो x स्क्वायर इनटू x फ्रॉम x की वैल्यू यहां पुट करूंगा x से x स्क्वायर से एक x कट गया यहां x बचा x से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा कर दिया मैंने किया आगे। अब क्या होगा मेरे पास दो वेरिएबल थे h और x उसमें से क्या बचा मेरे पास एक x बचा x का क्या करूंगा मैं इस पूरे के इक्वल जीरो पुट करने के बाद यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई करूंगा जीरो हो जाएगा एक्स ये सिक्स एक्स स्क्वायर निकल जाएगा प्लस टू यहाँ से क्या करूंगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा और मैक्सिमम मिनिमम पता नहीं चला मैं मैक्सिमम है कि नहीं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका करेंगे यहाँ एस क्या है इसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ एक्स के एस क्या हो गया कॉन्स्टेंट ये जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स तो टू सिक्स से मल्टीप्लाई होगा ट्वेल्व होगा फोर से डिवाइड होगा माइनस ए अब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एक्स की वैल्यू कौन ये है इसे यहाँ पुट करेंगे यहाँ पुट किया लेस देन जीरो हैंस वैल्यू मीन मैक्सिमम वाई एक्स इक्वल टू। तो अब क्या करेंगे ये स्क्वायर को ये अंडर रूट हटाएंगे इधर का स्क्वायर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर ये एस हो जाएगा। अब क्या करेंगे एस की जगह क्योंकि अभी प्रूफ नहीं हुआ वैल्यूम तो मैक्सिमम हो गया है लेकिन हमारा मकसद क्या है जब वैल्यूम मैक्सिमम हो तो वर्ड को प्रूव हो जाना चाहिए उसके लिए क्या होना चाहिए एच इक्वल एक्स हो जाना चाहिए हाइट भी एक्स के बराबर होनी चाहिए तो एस बराबर ये फॉर्मूला यहाँ पुट करूंगा एस की जगह ये पुट करूंगा एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ ले जाऊंगा फिर ये जो कटता है कट कर दूंगा एक्स इक्वल एक्स हो जाएगा। अब क्या हो गया हैंस व्हेन वैल्यू इज मैक्सिमम देन क्यूबॉइड इज ऑफ क्यूब प्रूफ हो गया।